वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कड़ी पत्ते के प्लांट के बारे में कि हम इसके बीजों को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आपने भी अगर अपने गमले में इसके प्लांट लगाए हों तो देखिए, ये इसके जो आप देख रहे हैं ये इसके बीज हैं, और ये बीज, ये जो आप ये देखिए ये कच्चे हैं, लेकिन जो ये इस कलर में हो गए हैं ये इसके पके हुए बीज हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे ये सभी, इसकी सभी ब्रांच में ये देखिए इस तरह से बरसात के सीजन में इसके ये बीज पक जाते हैं, और पक जाने के बाद ये धीरे धीरे करके, ये आप देखेंगे यहाँ से ये बीज इसके गिर जाते हैं। तो इनके बीजों को हम कलेक्ट कर लेंगे जो बीज पक गए होंगे, जैसे ये इस तरह देख रहे हैं आप, ये बीज ये पक गए हैं, ये देखिए ये बीज पक गए हैं। इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे, इन्हें बस ऐसे ही टच किया और ये निकल गए, ये देखिए। तो ये छोटे से पॉट में मेरे लगा हुआ है प्लांट, और इस बार इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई। फरवरी में इसमें फूल आ गए थे, तो इसके फूलों को मैंने यहीं छोड़ दिया था। तो ये देखिए ये इसके सब ये बीज तैयार हो गए हैं। तो इसके बीजों को हमें इस तरह से निकाल लेना होता है, इस तरह से आप इसके बीजों को निकाल लेंगे जो बीज पक गए होंगे। ये देखिए ये वाले बीज, इन बीजों को हमें नहीं लेना है, ये अभी कच्चे हैं। इन बीजों को अभी आप मत तोड़िएगा, ये अभी कच्चे हैं। इस तरह से बीजों को निकालने के बाद इसे हम, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, तो ऐसे अगर ये देखिए इसमें थोड़े से ये गीला है, ये बस इस तरह से कीजिए, इन्हें धो लीजिए, या इसी तरह से आप अपने मिट्टी में इसे डाल देंगे तो इसकी एक पौध तैयार हो जाएगी। तो ये बरसात का सीज़न है, तो इसकी पौध अच्छे से हम इस तरह इसके बीजों को ऐसे ले लेंगे, और लेने के बाद मिट्टी में हम डाल देंगे तो इसकी पौध तैयार हो जाएगी, यहाँ से नई अंकुरित हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ पर डाल रखा है। इस तरह से आप किसी भी जगह इसके बीजों को डाल देंगे मिट्टी में, हल्का सा ऊपर ही भुरभुरी मिट्टी तैयार करके, या तो आप अलग से मिट्टी तैयार कर लीजिए, या तो फिर आप किसी भी गमले में जहां आपने पौधे लगाए हों उसमें। और एक ये बीज देखिए, 10 दिन पहले मैंने इसे यहां डाल दिया था, तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहां पे इस तरह से इसके फिर ये जर्मिनेट करने लगता है, इस तरह से ये उगने लगता है। और भी मैंने यहाँ पे भी, ये देखिए एक बीज यहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो इस तरह से आप इन बीजों को डाल के ग्रो कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी सी नमी देनी होती है, हमारे यहाँ तो अभी बारिश हो जा रही है बीच बीच में रह रह के, शाम को बारिश हो जाती है और सुबह धूप रहती है, तो इन्हें हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी बनाइएगा, मिट्टी में थोड़ी नमी रहे उस मिट्टी में आप इसे लगा देंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ से इसकी एक पौध तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से आप भी इन बीजों को उगा सकते हैं, और अपने ही घर में कड़ी पत्ते को तैयार कर सकते हैं, फिर नर्सरी से आपको नहीं लाना पड़ेगा। अब कुछ इनमें पौधे जब निकल आएंगे तो इसे हम निकाल के अलग से गमले में लगा लेंगे। आपको ये जानकारी अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, और ये देखिए ये मेरे अलमंडा के फ्लावर, ये फ्लावरिंग हो रही है, इसमें ये भी फ्लावर भी तैयार हो रहे हैं, इसकी ये कलियां हैं, ये देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अभी इसके सभी ब्रांच में कलियाँ आ रही हैं। मैं आपको दिखा दूँ,
ये मेरे प्लांट में, ये आप देखिए, ये मिर्ची के ये पौध तैयार हो गई है और ये इसमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं। तो खुशी होती है जब हमारे प्लांट में फ्रूट्स लग जाते हैं इस तरह से। ये मेरे गुलाब के ये प्लांट देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें नई बर्ड्स भी आ रही हैं और रोज़ 3-4 फ्लावर इसमें खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन बीजों को कलेक्ट करके अपने नई कड़ी पत्ता के प्लांट्स को उगा सकते हैं गमले में। इस तरह के बीज कलेक्ट कर लीजिए और लगा दीजिए। ये बरसात का सीजन है, इनकी ग्रोथ जल्दी से हो जाएगी और अच्छे से होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।